2019 का यूपीएससी का टॉपर था गणेश कटारिया, आईएएस का फर्स्ट रैंक का ही। और लोग छुपाते हैं, मैं उसको इसलिए सलूट करता हूँ, उस बंदे ने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक यू लेकर बोल रहा हूँ। लोग महिलाओं के साथ रिलेशनशिप को छुपाते हैं, उसने सरेआम से स्वीकार किया, ध्यान रखना ठीक है, उसने सरेआम ये स्वीकार किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या अच्छा प्रेम भाव। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कंपल्सरी शर्त है, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि आपके दिल में किसी की वास्तविक फीलिंग है या नहीं। ऐसा होगा तभी, दो चीजें होती है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, क्या ही होता है मुझसे भी गिरे तबके से, तो हमारी परवरिश ऐसी नहीं, मेरी भी नहीं, मेरे लिए लड़की बहुत छोटी बात है, मैं किसी लड़की को जब चाहे तब पका नहीं सकता हूँ, उनको भी कर पढ़ाई का मतलब गंदी, जैसे बाल थोड़ा बड़े हुए फिर उस तरह करवा दिए, और हमें बीच पर मिलते थे उस तरह करवाने की मम्मी दे देती थी शुरू से, कक्षा छह से लेकर पूरा बी ए तक, तो गलियों से तो वैसे ही तो नहीं पढ़ते, तुम्हें पता है कहीं भी ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं आप नहीं, लेकिन उसके बाद हमने की मोहब्बत अपनी सड़कों पर रहे, घर वाला खुले तो उसके लिए पैसा कमाया, मेहनत करी, 12-12 घंटे पढ़ाया और भी सारी चीज़ें, तो होता क्या है कि प्रेम भाव है या नहीं है वो मैटर करता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ हर लड़की की हर लड़की का दोस्त है, आपके लिए दोस्त हो सकते हैं, होता क्या है हमको हमेशा से बचपन में दूर रखा गया लड़कियों से, तो हमारे में एक ही तत्व आता है रिलेशनशिप। मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU के इतने दोस्त हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट वाले हैं, तमाम टीचर्स हैं, सबकी मित्र महिलाएँ हैं, मित्र पुरुष भी हो सकते हैं, मित्र महिला भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं महिला मित्र, जिसको देसी इंग्लिश में गर्लफ्रेंड कहते हैं, गर्लफ्रेंड का कतई मतलब नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ध्यान रखना, कहते हैं कि हमारी महिला मित्र जिससे मिली वर्तमान के SDM है या है पोस्टेड, ऐसे परीक्षा करवाते बड़े लोग, बस मैं अपने पापा को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वहाँ जाके